मिनट, तब बाद में मैं कर दूंगी, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाई हूँ। और वीडियो क्या लाई हूँ कि मतलब मैं एक मतलब माता शक्ति के रूप की आपको दर्शन कराऊंगी। और धारी देवी माता के दर्शन करने के बाद मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी टिहरी जिले में चंद्रवर्णी माता के दर्शन कराऊंगी मैं। और आप लोग मतलब माता के दर्शन अच्छे से करना, और कैसे गई मैं वो भी दिखाऊंगी। मैं किस तरह आपको वहां तक ले जाऊंगी, किस वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और क्या क्या है उस मंदिर की खासियत और कहाँ है, ये मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आई हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑल क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मतलब कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज आज की वीडियो देख के यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर भी करना, बहुत अच्छी वीडियो है। और आप लोगों को एक इतिहास पता चलेगा आज की वीडियो से कि हमारे देश में ऐसा भी एक शक्तिपीठ है। तो चलो चलते हैं और वीडियो देखते हैं, चलो। दोस्तों धारी देवी जी के दर्शन करने के बाद मैं आप लोगों को आज ले चलती हूँ टिहरी जिले में चंद्रवदनी मंदिर के दर्शन कराने। दोस्तों चंद्रवदनी 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, और आप लोग वहाँ पहुँच के भी देखेंगे, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पे माँ चंद्रवदनी उत्तराखंड के टिहरी जिले हिंडोला खाल विकास खंड के चंद्रकूट पर्वत पर है, और ये समुद्र तट से 8000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ पे दोस्तों चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता के बीच है, और पौराणिक मान्यता है कि दक्ष प्रजापति ने कनखल नगरी में यज्ञ किया था, लेकिन अपने दामाद शिव जी को नहीं बुलाया था। और मतलब इस चीज का पता जब माँ शक्ति को पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया है, तो वो शिवजी से मतलब आग्रह करने लगी कि मुझे भी यज्ञ में जाना है और आप भी चलें। शिवजी ने मना कर दिया, तो सती जी ने बोला कि मैं जाऊंगी, आप नहीं आ रहे तो मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये चंद्रवदनी मंदिर है। और तो सती जी वहाँ चली गई, और जब उन्होंने वहाँ जाके देखा कि उनके पिता उनके पति यानी महादेव जी का अपमान कर रहे हैं, तो सती जी से ये अपमान मतलब उनसे सहन नहीं हुआ, और उन्होंने खुद को जो हवन कुंड था वहाँ पे उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया और सती हो गई। तो जब शिव जी मतलब महादेव जी को इस बात का पता चला और उन्हें आभास हुआ कि सती मतलब कि हवन कुंड में सती हो गई हैं, तो वहाँ आ गए और उन्होंने गुस्से में आके जो दक्ष प्रजापति हैं उनका सर धड़ से अलग करके और हवन कुंड को मतलब नष्ट कर दिया, उसको भंग कर दिया, जो वहाँ पे यज्ञ हो रहा था यज्ञ को भंग कर दिया। और उसके बाद उन्होंने माँ शक्ति का जो शव है उसको अपने कंधे पे लेके वो अपने कैलाश की ओर चल दिए। और लेकिन जब उनको ऐसा देख के पूरी दुनिया में मतलब संसार में हाहाकार मच गया। तो जब विष्णु भगवान जी ने इसको रोकने के लिए कि माता शक्ति का शव कैलाश पे ना ले जाएं, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो शव के हैं टुकड़े टुकड़े कर दिए, और माता सती के शव जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ पे एक शक्तिपीठ हो गया, शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। और माता शक्ति जी का जो एक टुकड़ा शव का था जो चंद्रकूट पर्वत पे गिरा, उनका जो बदन का हिस्सा था बीच का वो वहाँ गिरा, जिससे वहाँ का नाम चंद्रबदनी नाम से मतलब प्रसिद्ध है।
और जो ये मतलब कि टिहरी जिले में है चंद्रकूट पर्वत, वहाँ पे माता सती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं चंद्रवदनी महाशक्ति का ही रूप है। तो कहते हैं कि शिव जी ने माता सती के वियोग में बहुत ही दुखी हुए थे और व्याकुल हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ बैठ के उनका स्मरण किया तथा माता सती ने उनको चंद्र रूप शीतल के दर्शन दिए। और मतलब इस मंदिर में माता सती जी की जो मूर्ति है वो नहीं है, उनका यहाँ पे यंत्र है। और स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण व महाभारत में सिद्धपीठ का विस्तार से वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये टिहरी जिले में है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यहाँ लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। दोस्तों यहाँ आने के लिए आप लोग ऋषिकेश के रास्ते भी आ सकते हैं, ऋषिकेश तक ट्रेन है, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए बस आती है और सोमो आती है, और मतलब कि आने के लिए कोई असुविधा नहीं है, बसें आती रहती हैं। तो आप लोग यदि इस शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं आसानी से। यदि आप लोगों ने हवाई जहाज़ से आना है तो देहरादून में हवाई जहाज अड्डा है, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग कि जौलीग्रांड में है, तो जौलीग्रांड से आप लोग यहाँ बस से आ सकते हैं, अपनी पर्सनल कार हो तो उससे भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कितनी अच्छी जगह पर है, ये बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है, और यहाँ आके शांति का एहसास होता है। और जैसे कि गर्मियों में लोग घूमने जाते हैं तो इस जगह आके आप लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिता सकते हैं। और टिहरी में आप लोगों को होटल भी अच्छे दामों में मिल जाएंगे, सस्ते दामों में। तो इस तरह यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे विश्राम गृह है, और आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो मन्नत है मांग रखी होगी, तो ये सारे झंडे चुन्नियाँ लोगों ने बांधा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।